पश्चिम बंगाल में एक ही दिन में कोरोना के 58 मरीजों ने ममता सरकार का सरदर्द बढ़ा दिया है। राजस्थान का रुख करेंगे, जहां पर कोटा में प्रदर्शन पर बिहार के छात्र उतर आए हैं। ब्रिटेन में किस तरह से कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी गई, इसकी तस्वीरें आपके सामने होंगी। साथ ही ठीक आधे घंटे बाद यानी कि 9:30 बजे आपको दिखाएंगे 100 शहर 100 खबर। हमेशा की तरह शुरुआत कोरोना के आंकड़ों के अपडेट के साथ करेंगे। मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना का आंकड़ा 23,000 को पार कर गया है। देश में कोरोना के कुल केसों की तादाद 23,077 तक पहुंच गई है। इनमें एक्टिव केसेस की तादाद 17,610 है। इसके साथ ही अब तक 718 लोगों की कोरोना से जान गई है। लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है। इसके साथ ही लगातार जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। 749 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं, ये थोड़ी राहत की खबर है। लेकिन इसके बावजूद एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये तब है जब लॉकडाउन की स्थिति है। दिल्ली में जब भी कोरोना काबू में आता दिखता है, अचानक वायरस का एक विस्फोट सा हो जाता है। कल ऐसा ही कुछ हुआ। कोरोना के 128 नए मामले सामने आए हैं और सबसे खास बात यह रही कि राजधानी के जहांगीरपुर इलाके में यहां पर एक साथ 46 लोगों में वायरस ने अपना घर बना लिया। 23,077 लोग अभी तक संक्रमित हुए हैं, जिसमें ठीक 4,749 हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि मरने वालों का आंकड़ा 718 तक पहुंच चुका है। दिल्ली की हम बात कर रहे थे, दिल्ली में किस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 6,430 कुल केस हैं, 283 यहां पर मौतें हुई हैं। दिल्ली में 2,376 केसेस हैं, यहां पर 50 मौतें हुई हैं। गुजरात में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, 2,624 यहां पर कुल केस और 112 मौतें यहां गुजरात में। वहीं मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर आंकड़े चौंकाने वाले और परेशान करने वाले, 1,699 मामले, 83 मौतें। आंध्र प्रदेश में 895 मामले, 27 मौतें। वहीं अगर राजस्थान की बात कर ले, राजस्थान में 1,964 मामले, 27 मौतें राजस्थान में भी कोरोना से हुई हैं। तमिलनाडु में 1,683 मामले, 20 मौतें। उत्तर प्रदेश में 1,510 मामले, 24 मौतें। एक बार फिर से दिल्ली का रुख करेंगे, क्योंकि जब भी दिल्ली में ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, केसेस कम हो रहे हैं, वायरस अचानक से अपने पैर पसारने लगता है। ऐसा ही कल देखने को मिला। 128 नए मामले कल दिल्ली में ही सामने आए और सबसे खास बात यह रही कि राजधानी के जहांगीरपुर इलाके में एक साथ 46 लोगों में वायरस पाया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी की इस गली में कोरोना का ऐसा ब्लास्ट हुआ है जिसने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं। एच ब्लॉक की एक ही गली में कोरोना के 46 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। एच ब्लॉक की 3 गलियों को 14 अप्रैल को पहले ही सील कर दिया गया था। पॉजिटिव पाए गए 46 लोगों को नरेला के क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया है। दिल्ली में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। फिलहाल दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की अगर बात करें तो वहां एक ही ब्लॉक से 46 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल इस ब्लॉक की 3 गलियों को 14 अप्रैल को ही सील कर दिया गया था और जब इलाके के लोगों का टेस्ट कराया गया तो उसके बाद 46 लोग कोरोना पॉजिटिव जो हैं वो पाए गए, जिसके बाद ही पूरी तरीके से इलाके को सील कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही जो है वो बंद कर दी गई है। जहांगीरपुरी का ये तीसरा बड़ा मामला है। 18 अप्रैल को जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में एक ही परिवार से जुड़े 31 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। यहां एक महिला की कोरोना से मौत हुई थी, जिसके अंतिम संस्कार में रिश्तेदार शामिल हुए थे। 10 अप्रैल को महिला की मौत के बाद सी ब्लॉक जहांगीरपुरी के गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 10 तक कुल 1,000 घरों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था।
इसके बाद वहां रहने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी, जिसमें परिवार से जुड़े 31 लोग पॉजिटिव आए थे। जहांगीरपुरी इलाके में कोरोना ने पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा है। यहां तैनात 6 पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं एक एएसआई की पत्नी भी कोरोना संक्रमित हो गई। जहांगीरपुरी से अब तक कुल 89 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। जहांगीरपुरी के अलावा शाहदरा में भी एक ही गली में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन 7 लोगों में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में तैनात एएसआई भी शामिल है। दरअसल इसी गली में 11 मार्च को 67 साल के एक बुजुर्ग की कोरोना की वजह से मौत हुई थी। बुजुर्ग के परिवार के 6 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था और रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पुरानी दिल्ली के चूड़ी वालान में भी एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें एक 1.5 महीने और एक 12 साल का बच्चा शामिल है। दिल्ली के ही मेहरौली इलाके में एक स्वास्थ्य कर्मी और उसके ससुर कोरोना संक्रमित हो गए। वहीं परिवार के 6 सदस्यों के अंदर कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे अपार्टमेंट को सील कर दिया गया है। मेहरौली इलाके में ही एक सब्जी वाला भी कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद उसके संपर्क में आए लोगों की तलाश जारी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक 2000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं 90 से ज्यादा इलाके हॉटस्पॉट घोषित किए जा चुके हैं। अनुज मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। इस वक्त हमारे संवाददाता चिराग गोठी तमाम जानकारी के साथ आजादपुर मंडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि कई सारे ऐसे सब्जी वाले हैं जो बॉर्डर से आते हैं, ऐसे में उन्हें कितनी दिक्कतें हो रही हैं, इस वक्त वहां की क्या परिस्थिति है? देखिए, वहां की परिस्थिति मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। आप देखिए, कई किलोमीटर लंबा जैम जो है सुबह सुबह ही लग गया है। हालांकि सरकार ने 24 घंटे के लिए मंडी खोली थी, लेकिन इस शर्त पर खोली थी कि एक व्यवस्था जो है वो बनेगी, लेकिन यहां पर फिलहाल आप देख सकते हैं कोई व्यवस्था नहीं है। लंबी लंबी कतारें जो है लग गई है। ये एक ऐसी डराने वाली तस्वीर है दिल्ली की, जो लॉकडाउन जो है दिल्ली में चल रहा है। कई इलाके सुनसान है और ये इलाका देखिए, ऐसा लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन है। और जाहिर तौर पर ऐसे में सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर इस तरह की व्यवस्था बनेगी तो जाहिर तौर पर ये तस्वीर डरा रही है। लोगों से बात करते हैं। भैया, कितनी देर से फंसे हो? हाँ जी, कितनी देर हो गई? एक घंटा हो गया सर, कम से कम एक घंटा हो गया। यहाँ देखिए कई लोग हैं यहाँ जो पहुंचे। कितनी देर से फंसे हो? एक 1.25 घंटा हो गया जी पीछे आजादपुर से। देख सकते हैं 1.25 घंटा हो गया, ये स्थिति यहाँ पर बनी है। और ये देखिए लंबी लंबी कतारें यहाँ पर पूरे वाहनों की देखने को मिल रही है। ये इसलिए मंडी नहीं खोली गई थी कि यहाँ पर ये स्थिति पैदा होगी, इसलिए खोली गई थी कि लोगों को सहूलियतें मिलेंगी। और कितनी देर होगी भैया? मेरे को 5 बजे से आया हूँ सुबह। यहाँ लंबा जाम है? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए लंबा जाम, कई किलोमीटर लंबा जाम दिल्ली के आजादपुर मंडी में देखने को मिल रहा है सुबह सुबह। हालांकि ये जो यहाँ के विक्रेता थे उनका भी कहना था कि सुबह चूंकि काफी आते हैं, रात में सामान आता है, तो ऐसे में यहाँ स्थिति पैदा होगी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ के इलाके के जॉइंट सीपी समेत तमाम पुलिस वालों ने ट्रैफिक ने अरेंजमेंट किया था कि यहाँ पर एक व्यवस्था रहेगी, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर जबरदस्त तरीके से जाम जो है सुबह सुबह ही लग गया है। और यहाँ पर आप देखिए कुछ पुलिसकर्मी जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पर अब जो है हमें देखकर जो है अलर्ट हुई है। इससे पहले कोई अलर्टनेस नहीं थी। और अभी भी जो तस्वीरें मैं अपने कैमरा में आलोक दास से कहूंगा पूरी तस्वीरें दिखाएं पीछे तक की, जो पूरा मेट्रो स्टेशन से पीछे तक लंबा जाम लगा हुआ, यानी कई किलोमीटर लंबा जाम सुबह सुबह ही देखने को यहां पर दिल्ली के आजादपुर में दिख रहा है। और ये डराती है तस्वीर, ये बताती है कि क्या वाकई दिल्ली में लॉकडाउन है। ये स्थिति अगर ऐसी बनेगी स्थिति, तो निश्चित रूप से जो है सरकार को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये स्थिति होगी तो कोरोना वायरस फैलने का बेहद डर रहेगा। ऐसे में एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एक टाइम होना चाहिए जिससे कि इजीली सारे वाहन निकले, टाइम से यहाँ पर आए, फल फ्रूट जो है वो यहाँ पर जिस दुकानदार को देने दें और उसके बाद यहाँ से तुरंत निकले। लेकिन यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर लोगों को आप देख सकते हैं जो ये वो लोग हैं जो असेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं, यानी ये वो लोग हैं जो यहाँ पर इसलिए आए हैं कि उनके पास पासिस है या कोई और वजह है, या वो फल फ्रूट लेना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह से जैम की स्थिति सुबह सुबह यहाँ देखने को मिलेगी तो ये तस्वीर जाहिर तौर पर डरा रही है। और ये कहीं ना कहीं कई सवाल जरूर खड़ा कर रही है कि आखिर। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चिराग गोठी हमारे संवाददाता, ताजा तस्वीरें आजादपुर मंडी के बाहर की दिखा रहे थे, वहां पर किस तरह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही है ये तस्वीरों से साफ हो रहा था। बहरहाल दिल्ली की बात हो गई, चलते हैं अब गुजरात, जहां पर कोरोना वायरस ने ऐसा प्रचंड रूप दिखाया है कि संक्रमण के मामले में गुजरात दिल्ली से भी आगे निकल गया है। गुजरात में नए केस कुल 217, कुल केस 2624, वहीं मौतें 112 और कुल मरीज जो ठीक हुए हैं वो हैं 258। चिंता की बात यह है कि गुजरात में कोरोना सब्जी और एटीएम के जरिए ज्यादा फैल रहा है।
શાકભાજી લેવા માટે જાય ત્યારે મહેરબાની કરીને થેલી લઈને નહીં જાઓ, ગોળ લઈને જાઓ, ગોળ ગોળ ને શાકભાજી, એક પણ શાકભાજી ને હાથ લગાવશો નહીં, સીધે સીધી શાકભાજી તમારી ઢોલમાં નખાવો, ઘરે આવીને ઢોલમાં પાણી ભરો, એની અંદર ખાવાના સોડા નાખી દો 2 ચમચી ભરીને। गुजरात में कोरोना पैर पसार रहा है। दिल्ली को पीछे छोड़कर गुजरात अब महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद अब हॉटस्पॉट वाले शहरों में शामिल हो गया। अहमदाबाद में संक्रमण में तेजी की वजह सुपर स्प्रेडर्स को माना जा रहा है, जिसमें सब्जी की रेहड़ी लगाने वालों, दवा दुकानदारों, किराना दुकानदारों, पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने वालों के साथ साथ दूसरे जरूरी सेवा से जुड़े लोग हैं। इन सुपर स्प्रेडर्स की जांच में एक साथ 7 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित निकले। कहा जा रहा है कि सब्जी वालों की वजह से अहमदाबाद में 60 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ चुके हैं। गुजरात में और खास करके अहमदाबाद में जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं, और उसमें भी जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं उनके जरिए जो कोरोना के केसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए अहमदाबाद की कुछ महिलाओं ने एक अच्छा प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ महिलाएँ हैं जो अपने हाथों में झोला लेके आने की जगह पे बाल्टी, इस तरीके से बाल्टी लेकर यहाँ पे पहुँची हुई है। सब्जी लेने के लिए ये महिलाएँ पहुँची हुई है। आप देख सकते हैं ये सब्जी की दुकान है और यहाँ पे ये महिलाएँ अपने घर में पानी भरने के लिए इस्तेमाल होने वाली बाल्टी को लेकर यहाँ पे पहुँची हुई है। सब्जियाँ खरीदने को लेकर महिलाओं में काफी डर है और वो इसे लेकर बहुत सावधानी बरत रही हैं। अहमदाबाद में जैसे अभी केसेस बढ़ रहे हैं तो प्लास्टिक में ज्यादा, मतलब बोलते हैं कि प्लास्टिक की थैली से ज्यादा फैलाव हो रहा है, तो इसकी वजह से जो सोशल मीडिया पे जागरूकता आई है कि भी बाल्टी लेके जाओ, तो हमने भी सोचा कि ये अच्छा है कि चलो बाल्टी लेके जाते हैं तो फिर घर पे आके सीधा इसको बाहर रख के उसमें पानी भर के नीचे धो सकते हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो अहमदाबाद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1652 तक जा पहुंची। इनमें 217 मामले तो सिर्फ एक दिन में दर्ज हुए। 24 घंटे में यहां 9 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। अब इस शहर में ही कोरोना ने कुल 151 लोगों की जान ले ली। अच्छी बात यह है कि गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट वडोदरा में 45 लोग एक साथ कोरोना को मात देकर घर पहुंचे। ये हमने एक राहत की सांस ली है, और एक जो भय का माहौल था कोरोना के प्रति, अगर भाई कोरोना एक गंभीर बीमारी है तो हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए आप, ये 45 दर्दी है जो एकदम ठीक होके जा रहे हैं। तो कोरोना से कोई डरने की जरूरत नहीं है सर, समय सर अगर उसकी तपास की जाए, समय सर उसकी ट्रीटमेंट ली जाए तो कोरोना भी अच्छा हो सकता है सर। ठीक होकर घर पहुँचने वालों के लिए तालियों की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि इसी शहर में सेना के 3 जवानों के संक्रमित होने की खबर ने हैरान कर दिया। तीनों के एटीएम बूथ से संक्रमण की आशंका है। इसके बाद संपर्क में आने वाले 28 लोग क्वारंटीन कर दिए गए। सुपर स्प्रेडर्स अपने काम की वजह से संक्रमण के संपर्क में आ सकते हैं और कई लोगों में संक्रमण फैला सकते हैं। ऐसे में सावधानी हटी तो कोरोना वाली दुर्घटना घट सकती है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गोपी घांगर हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, लोग नए नए आइडियाज के साथ सामने आ रहे हैं ताकि वो संक्रमित ना होने पाए। हमने देखा आपकी रिपोर्ट में किस तरह से बाल्टियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन एटीएम के इस्तेमाल के लिए भी तो सरकार ने कहा है कि पूरी सावधानी बरते, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करें। ऐसे में लोग वहां पर कितने सतर्क हैं अब एटीएम को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नेहा कि एटीएम को लेकर जिस तरीके से वडोदरा में 3 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो उसके बाद से वहां के इलाके में पूरी तरीके से उसे सील कर दिया गया है। उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया के तौर पर जो एटीएम सेंटर है उसको कर दिया गया है। साथ ही बार बार ये कहा जा रहा है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन किया जाए, डिजिटल ट्रांजेक्शन के जरिए सारी चीजें लोग ले, लेकिन कहीं ना कहीं जो कैश करेंसी है वो एक लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर सब्जी वालों की भी बात की जाए तो गुजरात में अकेले गुजरात के ही अंदर 65 ऐसे सब्जी विक्रेता है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन दिनों सब्जी वाले ही मेन कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं, तो वैसे में ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण रहती है कि
उसे किस तरीके से मात दी जाए, और खास करके जब गुजरात के अंदर अहमदाबाद हॉटस्पॉट बना है, 1600 मामले अहमदाबाद में दर्ज हो चुके हैं, 112 लोगों की पूरे गुजरात में मौत हो चुकी है, तो वैसे में थोड़ी सी सावधानी कोरोना से बचा सकती है, यही एक है। और आयुष मंत्रालय के जरिए जिस तरीके से जो आयुर्वेदिक दवा की बात की गई है, बार बार सरकार लोगों को ये कह रही है कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से कावा, आयुर्वेदिक कावा हो या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी इस तमाम जानकारी के लिए आपका, और बाकी राज्यों के लोगों को भी इससे सीख मिलती है कि एटीएम से सावधान रहें, सब्जी विक्रेताओं से सावधान रहें, क्योंकि ये कैरियर्स हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि गुजरात में सब्जी के जरिए भी कोरोना फैलने का मामले सामने आ रहे हैं, और अब सवाल यह है कि महामारी के इस दौर में सब्जियों को खरीदने का सही तरीका क्या है। हमने इस पर एक्सपर्ट से बातचीत की। कोरोना को लेकर रोज कुछ नए मामले, कोई नई जानकारी, और इस तरह की चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप सही जानकारी रखें, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। इस समय सीएसआईआर के डीजी शेखर मांडे जी हमारे साथ हैं। सर, एक नया मामला आजादपुर मंडी में, पहले एक जो सब्जी विक्रेता था उसकी मृत्यु कोरोना से, अब गुजरात में ऐसा मामला आ रहा है, और लोग ऐसे डर रहे हैं कि सब्जियों को आखिर वो कैसे साफ करें कि उन्हें कोरोना का संक्रमण न। ऐसी बात है, जहां तक कोरोना एक आदमी से दूसरे आदमी जब जाती है तो ये समझा जाता है कि वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो जाती है, ठीक है, जो हम लोग जो श्वास लेते हैं उसकी वजह से वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक जा सकती है। दूसरा ये भी है कि लोग समझते हैं कि सरफेस पर किसी ने टच किया हो, एक इन्फेक्टेड आदमी ने, और दूसरे आदमी ने जाके वहाँ पे टच किया, तो उससे भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि वो हाथ अगर कहीं गलती से मुंह में या नाक में अगर चले जाए तो उससे भी कोरोना हो सकता है। तो सब्जियों पे अगर लोग डर रहे हैं कि सब्जियों से कोरोना स्प्रेड हो रहा है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि अगर लोग बेसिक प्रिकॉशन फॉलो कर ले कि सब्जी खरीदने के बाद, घर आने के बाद, रास्ते में कहीं अपने हाथ नाक आँख या मुँह में ना डाले, और घर आने के बाद जरूर उसे साबुन से धोए। साबुन से धोने का तरीका बहुत बेहतर तरीका है कोरोना को अपने आप से दूर रखने के लिए। जो हो सकता है लोगों को कि एक दूसरे के सामने में खड़े रहकर जिसे कोरोना हुआ है और जिसे नहीं हुआ है उससे ट्रांसमिशन हो सकती है, तो लोगों से दूर रहना, ये सोशल डिस्टेंसिंग जो कहते हैं, ये वो सही तरीका है। तो इसलिए साबुन से हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग, ये दोनों अगर तरीके का हम लोग अगर इस्तेमाल करें तो लोगों को डरने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो कुछ लोगों को हमने देखा कि वो घर आकर जैसे गर्म पानी, और कुछ लोग तो साबुन से भी सब्जियों को धोने लगे। अब ये कहा जा रहा है कि बेकिंग सोडा से साफ कर लीजिए, तो हम क्या समझें कि सिर्फ जिससे, जैसे सब्जी अगर चार लोगों ने आपसे पहले देखी हो तो हो सकता है उसे टच करके उस पर संक्रमण आ चुका हो, तो सिर्फ हाथों को साफ करना है, सब्जी को पकाने से ही खत्म हो जाएगा? पकाने से तो सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ। जिस तरह हम लोग सब्जी जो पकाते हैं उससे तो सब वायरस और बैक्टीरिया वगैरह से मर जाते हैं। हाँ। तो इसलिए पकाने के बाद किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है वैसे। और आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि 9:30 बजे आपके लिए क्या है खास। मुंबई आपको लिए चलेंगे, जहां कोरोना संकट में सरकार के लिए परेशानी लगातार बढ़ रही है। यहां एक ही दिन में कोरोना के 522 केस सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि झुग्गी झोपड़ी इलाके धारावी में फैलते फैलते कोरोना ने सूबे के मंत्री को भी अपनी चपेट में ले लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना ने सियासी गलियों में दस्तक देनी शुरू कर दी है, जिसका पहला शिकार हुए हैं उद्धव सरकार में आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। हाल ही में जितेंद्र आव्हाड के 14 निजी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें आव्हाड की सुरक्षा में तैनात 5 पुलिस कांस्टेबल थे, जबकि बाकी 6 लोगों में उनके निजी स्टाफ, घर के नौकर और पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिसके बाद मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने खुद को क्वारंटीन कर लिया था और वो ठाणे के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट थे। जितेंद्र आव्हाड कोरोना पॉजिटिव पाए गए महाराष्ट्र के पहले मंत्री हैं। इससे पहले जितेंद्र आव्हाड के संपर्क में आए पूर्व सांसद आनंद प्रांजपे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। महाराष्ट्र में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, वहीं बस्तियों से लेकर वीवीआईपी इलाकों में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के घर में तैनात पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आ चुका है।
महाराष्ट्र के सीएम आवास में तैनात दो पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। मातोश्री के बाहर चाय बेचने वाला कोरोना की चपेट में आ चुका है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी और खुद मीटिंग के लिए गाड़ी चलाकर जाने लगे। महाराष्ट्र में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर मचा रखा है। राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या 6000 के पार पहुंच चुकी है। सबसे बुरा हाल मुंबई का है, जहां कोरोना संक्रमित मरीज 4000 से ज्यादा हैं, जिसने महाराष्ट्र के बाद देश के सारे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। और ये कोरोना मुंबई की बस्तियों से लेकर वीआईपी इलाकों तक पहुंच गया है, जिसने उद्धव सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दिव्येश सिंह के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। दिवेश सिंह हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। दिवेश, अब तो कैबिनेट तक पहुंच गया है मामला, संक्रमित मंत्री वहां पर पाए गए हैं, ऐसे में किस तरह से आगे के प्रिकॉशंस, आगे के बचाव की तैयारी है? नेहा, आपको बता दें कि अब थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, जहां पर थाने में जितेंद्र आभार जो कि हाउसिंग मिनिस्टर हैं, वो थाने में रहते हैं, तो थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उन सारे लोगों को पहले भी टेस्ट किया था जो लोग जितेंद्र आभार के संपर्क में थे, जिसके बाद वो क्वारंटाइन में चले गए थे। उनकी पहली टेस्ट नेगेटिव आई थी, पर अब जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया थाने में, और जब हालत बिगड़ी तो उन्हें फोर्टिस अस्पताल मुलुंड मुंबई में शिफ्ट किया गया, और उन्हें अब जाके उनकी टेस्ट जब पॉजिटिव आई है, फिर से थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उनके संपर्क में जितने भी लोग थे जो पहले नेगेटिव भी आए थे, उनकी भी टेस्ट कर सकती है। आपको ये भी बता दें कि करीब 16 लोग ऐसे थे जो जितेंद्र अवार्ड के संपर्क में थे, जिसमें आनंद परांज पे भी थे, पूर्व एमपी रह चुके हैं थाने से, वो पॉजिटिव आए थे। कई 5 पुलिस बॉडीगार्ड जो थे जितेंद्र अवार्ड के, वो पॉजिटिव आए थे। इसके अलावा जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो पॉजिटिव आए थे, उनके घर पर काम करने वाले लोग भी पॉजिटिव आए थे, उनके परिवार की भी जांच हो चुकी है। और अब थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि दोबारा अब जितेंद्र आवाड़ अब जाके पॉजिटिव आए हैं, पहले नेगेटिव आए थे, फिर से जांच कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका दिवेश, हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे, वहां के ताजा अपडेट्स बता रहे थे। बहरहाल रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का, यहां पर कल कोरोना के 62 नए मामले सामने आए हैं। यूपी के कोरोना हॉटस्पॉट में आगरा टॉप पर है। राहत की बात यह है कि दिल्ली से सटे नोएडा में कल कोई केस सामने ही नहीं आया। फिरोजाबाद पुलिस में हड़कंप है। 14 अप्रैल को यहां की रामगढ़ थाना पुलिस लॉकडाउन तोड़ने के इल्जाम में एक युवक को पकड़कर थाने लाई थी। युवक की अब कोरोना रिपोर्ट आई है, वो पॉजिटिव निकला। इसके बाद रामगढ़ थाने के एसएचओ और 26 अन्य पुलिस कर्मियों को फौरन क्वारंटीन कर दिया गया। 14 तारीख को एक मुलजिम की गिरफ्तारी की गई थी लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में। ये मुलजिम बाद में पॉजिटिव पाया गया, इसका नाम हाशिम है, और जब उसे पॉजिटिव के बारे में उसके होने का पता चला तो एहतियातन उस शिफ्ट में जो थाना में जो भी कार्यरत कर्मचारीगण थे इंक्लूडिंग एसएचओ, सभी को क्वारंटाइन किया गया है। हड़कंप बरेली पुलिस में भी है, यहाँ 55 पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। ये पुलिस कर्मी छुट्टी लेकर अपने घर गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से देरी से ड्यूटी पर नहीं आए। ये सभी पुलिस कर्मी उन शहरों से आए हैं जहाँ से कोरोना केस सामने आए हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया गया है। हमारा बरेली में अभी एक भी कोरोना के पेशेंट नहीं, अभी हम ग्रीन जोन में हैं, तो इन लोगों को एहतियात के तौर पे हमने जिला अस्पताल भेजा, वहाँ पर उनका सैंपल लिया गया। सैंपल लेने के बाद उनका जो टेस्ट है निगेटिव आया, लेकिन फिर भी एज पर रूल उन्हें जो है होम क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के लिए उन्हें रख दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले मुरादाबाद के नागफनी थाने के 73 पुलिस कर्मियों को एहतियातन क्वारंटीन किया जा चुका है। इस बीच में यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल यूपी में कोरोना के 61 नए केस सामने आए थे। इसे मिलाकर देश के सबसे बड़े सूबे में कोरोना केस 1510 हो गए हैं। अब यूपी के कोरोना हॉटस्पॉट शहर की बात करें तो 335 कोरोना संक्रमितों के साथ आगरा में महामारी का सबसे बुरा असर है। राजधानी लखनऊ में भी 174 केस आ चुके हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में 103 केस मिले हैं। सहारनपुर, मुरादाबाद और कानपुर भी कोरोना संक्रमण के मामले में शतक की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कल 4 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे यहां कुल केस
48 से बढ़कर 52 हो गए। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा से अच्छी बात ये है कि यहाँ से कोई नया केस नहीं आया है। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा और बरेली से कृष्ण राज के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। देश में लॉकडाउन की स्थिति है, सब कुछ ठप है, कई की कमाई का जरिया खत्म हो चुका है। ऐसे में सरकार के लिए चुनौती एक तरफ कोरोना संकट से निपटने की है और दूसरी तरफ लोगों को राहत पहुंचाने की। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्तीय राहत पैकेज को लेकर प्रधानमंत्री अहम बैठक करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक का एजेंडा वित्तीय रिलीफ पैकेज को अंतिम स्वरूप देना है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार का पैकेज मार्च में घोषित 1,70,000 करोड़ के पैकेज से बड़ा होगा। इस बारे में आगे स्थिति साफ होगी, लेकिन इस वक्त जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मीटिंग शुरू हो चुकी है या फिर कब इसका वक्त तय किया गया है और क्या माना जा रहा है जो राहत पैकेज 2 है इसका जो इसकी जो रकम होगी वो पहले राहत पैकेज से ज्यादा होगी? देखिए नेहा, ये बैठक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की वजह से देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब हुई है, उसके चलते जो लोग काम करने वाले हैं, मजदूर हैं या फिर किसान हैं या फिर इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं, उनको काफ़ी इस वक्त परेशानी हो रही है। इस बार का जो प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा जो दूसरे चरण का होगा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि MSME सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको दिया जाएगा इस तरीके का प्रोत्साहन पैकेज, और इसका फायदा उन इंडस्ट्रीज को होगा जो कि बंद पड़ी हुई हैं, जहां पर काम किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये मीटिंग महत्वपूर्ण है आज निर्मला सीतारमण की प्रधानमंत्री के साथ, और उसमें ये तय किया जाएगा कि जो अलग अलग टास्क फोर्स बनाए गए थे, जो अलग अलग मंत्रालयों से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, उस टास्क फोर्स के जरिए जो रिपोर्ट आई है उसमें कितना राहत पैकेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन 2 शुरू होने के बाद इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से चरमरा गई हैं और उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि किसी बड़े राहत पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए। जो मार्च के महीने में 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की बात घोषणा की गई थी, जिसमें अलग अलग जगहों पर जो किसान मजदूर या फिर जो ऐसे लोग थे जिनको डायरेक्ट बेनिफिट दिया गया था, उससे अलग ये राहत पैकेज होगा और ये बताया जा रहा है कि ये उससे बड़ा हो सकता है। तो आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले सोमवार को भी वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक की थी, अब ये बैठक दूसरी बैठक है और इसमें वो तमाम खाका खींच लिया जाएगा कि कितना राहत पैकेज दिया जाएगा। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि राहत पैकेज खासतौर पर MSME सेक्टर के लिए होगा, जहां पर जो इससे जुड़े हुए जो इंडस्ट्रीज हैं उनको काफी नुकसान हुआ है, और अलग अलग जो आर्थिक मामलों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी ये मांग कर रहे हैं कि अगर इस सेक्टर में पैकेज नहीं दिया जाएगा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो PhD की तरफ से ये मांग की गई है कि ये कहा जा रहा है कि जो जिले ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में हैं, करीब 356 के आसपास जिले हैं, उसमें काम शुरू किया जाना चाहिए जो इंडस्ट्रीज छोटी छोटी वहां पर मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। फिर टेस्टिंग किट्स की करेंगे, क्योंकि इस पर छिड़ा संग्राम अभी तक थमा नहीं है। चीन वाले किट्स पर ICMR की रिपोर्ट आएगी, लेकिन बड़ा सवाल अभी यही बना हुआ है कि क्या रैपिड टेस्ट किट्स पर रोक हटेगी या फिर चीन की करतूत पर कोई फैसला लिया जा सकेगा। कोरोना टेस्टिंग किट्स पर संग्राम थमा नहीं है। चीन पर भरोसा किया लेकिन वहां से धोखा मिला, वहां से आए टेस्टिंग किट्स नकली निकले। राजस्थान सरकार की शिकायत के बाद पंजाब और हरियाणा ने भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR को टकासा जवाब दे दिया, ले जाओ चीन वाले रैपिड टेस्टिंग किट्स। मनेसर में ही, जो कि हमारे हरियाणा में ही है, वहां पर साउथ कोरियन कंपनी है, उसकी बनाई हुई वो अप्रूव हो गई थी ICMR से, तो उसको हमने ऑर्डर दिया 1,00,000 किट्स का, और उन्होंने 25,000 हमें सप्लाई भी कर दी। और ये जो टेस्टिंग हो रही है, हमारी उम्मीद थी, रैपिड टेस्ट किट भी हमने इसी उम्मीद से मंगाए थे कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करेंगे तो सिम्टोमेटिक केसेस आएंगे। हालांकि वो टेस्ट जो पॉजिटिव थे PCR टेस्ट में, उनको ही नेगेटिव बता रहा था ये टेस्ट, तो फिर हमने एकदम रोक दिया उस रैपिड टेस्ट। चीन से आए खराब टेस्टिंग किट्स पर आज ICMR की रिपोर्ट आएगी। राजस्थान की शिकायत के बाद ICMR ने रैपिड टेस्टिंग किट्स के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए 8 राज्यों से जानकारी जुटाई।
सवाल ये है कि क्या आईसीएमआर फिर से राज्यों को रैपिड टेस्टिंग की इजाजत देगा। उम्मीद है कि आईसीएमआर चीन से मंगाए खराब लॉट को रद्द कर कंपनी से दूसरे बैच के किट्स के लिए कहेगा। कल हमको एक टेस्ट में से एक स्टेट में से एक कंप्लेंट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है, तो हमने तकरीबन 3 स्टेट से आज पूछ लिया। वो पूछने के बाद में हमको एक पता चल रहा है कि उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे आरटीपीसीआर के, उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। आईसीएमआर ने चीन के साथ साथ सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और महाराष्ट्र की दक्षिण कोरियाई कंपनी को भी रैपिड टेस्टिंग किट्स के ऑर्डर दिए हैं। राहत की बात यह है कि बाकी देशों के किट्स की शिकायतें नहीं आई हैं और केरल और आंध्र प्रदेश में टेस्टिंग जारी है। टेस्टिंग किट्स को लेकर प्लान बी पर भी काम चल रहा है। सरकार ही नहीं बल्कि कई प्राइवेट कंपनियां महामारी काल में अलग अलग तरीकों से टेस्टिंग किट या वायरस का पता लगाने के लिए अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। गुड़गांव के मानेसर में आनन फानन में दक्षिण कोरियाई कंपनी SD बायोसेंसर ने COVID-19 पता लगाने वाली टेस्टिंग किट का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू कर दिया है। ये वो मैन्युफैक्चरिंग लैब है इस पूरी यूनिट में जहां हम पहुंचे हैं, तो ये तमाम सारे वो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रैपिड टेस्ट मौजूद हों। ये पूरी फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग लाइन है। कई सारे इलाके चूंकि संवेदनशील है, उन इलाकों में हम नहीं जा सकते। प्लान बी के तहत ही रक्षा मंत्रालय के DRDO ने एक ट्रांसपोर्टेबल टेस्टिंग लैब तैयार किया है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। कोरोना वायरस की मार से अमेरिका सबसे ज्यादा बेहाल है। एक तरफ वो तेजी से अपने नागरिकों को खो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने एक बार फिर चीन पर निशाना साधा और कोरोना वायरस को लेकर हमला करार किया। कोरोना वायरस ने अमेरिका को किस कदर नुकसान पहुंचाया है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे हमला करार दिया है। इशारों इशारों में ही ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर निशाना साधा और अमेरिका में मची तबाही के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि ये कोई फ्लू नहीं था बल्कि ये एक हमला है और ऐसा हमला आज से करीब 100 साल पहले हुआ था। हम पर हमला हुआ, ये कोई फ्लू नहीं था, कभी किसी ने कुछ ऐसा नहीं देखा, 1917 में ऐसा आखिरी बार हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति पहले भी चीन पर हमला बोल चुके हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि कोरोना वायरस चीन की लैब में ही तैयार किया गया है और उस लैब की जांच करने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना है कि चीन ने दुनिया से काफी कुछ छुपाया है, हर किसी को सच जानने का हक है, अभी भी काफी हद तक सच को छुपाया जा रहा है और इस तरह की लैब अभी भी चीन में जारी है जिनकी वजह से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। ट्रंप और पोम्पियो के इन बयानों से साफ है कि वो देश की बिगड़ती हालात के लिए सीधे तौर पर चीन को जिम्मेदार मान रहे हैं। हालांकि चीन लगातार इस बात का दावा करता रहा है कि कोरोना वायरस से उसके लैब का कोई वास्ता नहीं है। इतना ही नहीं, WHO भी इस बात की तस्दीक कर चुका है कि कोरोना वायरस लैब से नहीं बल्कि चमगादड़ों से इंसान में फैला है। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। दुनिया के मौजूदा हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख भी चिंतित हैं। उनका कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस एक मानव संकट है जो तेजी से मानवाधिकार का संकट बनती जा रही है। जिस तेजी से कोरोना वायरस का कहर इंसानों पर हो रहा है, उससे पूरी दुनिया चिंतित है। इस संकट से उबरने की युद्ध स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हालात काबू में आता नहीं दिख रहा है। एक तरफ कोरोना से इंसानी जिंदगी आफत में है, तो वहीं इस वायरस ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त चोट पहुंचाई है। और अब ये वायरस इसलिए और घातक होता जा रहा है क्योंकि मुश्किल की इस घड़ी में इंसानियत बढ़ती नजर आ रही है, जिस पर पहले की तरह एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चिंता जाहिर की है। The COVID-19 pandemic is a public health emergency. But it is far more. It is an economic crisis, a social crisis, and a human crisis that is fast becoming a human rights crisis. संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने वीडियो संदेश में कहा कि COVID-19 संकट से निपटने में जन सेवाओं की पहुंच में भेदभाव किया जा रहा है और कुछ ढांचागत असमानताएं हैं जो उन सेवाओं तक पहुंच में बाधा बन रही हैं।
जिसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि वैश्विक महामारी का कुछ समुदायों पर भी बुरा असर हुआ है, इन पर हमले हुए हैं और नफरत फैलाने वाले बयान भी बढ़ गए हैं। संकट के समय मानवाधिकारों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि दुनिया इस समय सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट का सामना कर रही है जो कई पीढ़ियों में नहीं देखा गया। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस की वजह से यूरोप के ज्यादातर शहरों में लॉकडाउन है। तुर्की से लेकर इटली और ग्रीस तक सन्नाटा है। इन देशों में करोड़ों लोग अपने घर में कैद है। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस ने यूरोप में हाहाकार मचा दिया है। यहाँ इस वायरस से न सिर्फ लोगों की बड़े पैमाने पर जान जा रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था भी तबाही के कगार पर पहुंच गई है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ सब कुछ ठप है। कोरोना वायरस टर्की में कितने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है, तस्वीरें देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। हर वक्त पर्यटकों से गुलजार रहने वाला इस्तांबुल शहर वीरान पड़ा है। पर्यटन स्थल से लेकर समुद्री बीच तक पर सन्नाटा पसरा है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में बस इमारतें दिख रही हैं। इंसान दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। कोविड 19 की वजह से टर्की के ज्यादातर इलाकों में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं। अपने शानदार इमारतों और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर ये तस्वीरें ग्रीस की राजधानी एथेंस की हैं, जहां क्या सड़कें, क्या चौराहे, क्या मॉल और क्या बाजार, सब के सब बंद हैं। कोरोना वायरस का खौफ लोगों पर इस कदर है कि कोई भी एक दूसरे से मिलने तक को राजी नहीं है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में ऊंची ऊंची इमारतें, सड़कें, पेड़ पौधे और गलियां दिख रही हैं, लेकिन इंसान कहीं भी नहीं नजर आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे यह इंसान का बसेरा ही ना हो। इटली की राजधानी रोम का भी हाल एथेंस जैसा ही है। यहाँ पर भी हर तरफ सन्नाटा पसरा है। पर्यटन स्थलों से लेकर बाजार, शॉपिंग मॉल और पार्क सब के सब खाली पड़े हैं। कोरोना वायरस यूरोप में सबसे ज्यादा तबाही इटली में ही मचा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पूरे देश में लॉकडाउन है और करोड़ों लोग अपने घर में ही कैद है। आज तक ब्यूरो। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।